डियर स्टूडेंट्स, क्लास प्लस टू सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 7.6 डेरिवेटिव चल रहा है। आज अपना डेरिवेटिव है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मींस एक्स की पावर एक्स या एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स या वाई की पावर वाई, इस प्रकार से होगा। यानी एक्स भी हमारा वेरिएबल और वाई भी हमारा क्या है, वेरिएबल। इसमें विदाउट डेरिवेटिव एक फार्मूला लगा के चलेंगे हम, लॉग एम की पावर एन, मींस इसकी पावर एन है तो एन आगे आ जाएगा, एन लॉग एम हो जाएगा। जिसे लॉग एक्स की पावर फाइव है तो इसे फाइव लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ y इक्वल टू x की पावर रूट x, x भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे log both side, taking log both side, यहाँ पे y का log y, यहाँ पे log इसका है। अब ये इसकी पावर है x की, तो पावर क्या आएगी आगे, रूट x log x। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 by y, y का dy by dx is equal to root u into v लग जाएगा, root x as it is log x का 1 by x plus log x as it is root x का 1 by 2 root x, y यहाँ पे divide है, इस साइड आगे multiply, root x divide by x और वो root x पे cancel plus ये as it is। अब y की हमने value put करनी है last में, तो x root x, यहाँ से LCM क्या आ गया, 2 root x आ गया, log y का तो 1 by y dy by dx, u into v, x की पावर x as it is log x का 1 by x plus log x as it is, यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दिया x की पावर x, फिर से ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन गया। जब इस प्रकार से बीच में अगर डेरिवेटिव हमारा आ जाता है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद इस प्रकार से बीच में डेरिवेटिव आ गया, तो इसका डेरिवेटिव हम अलग निकालेंगे। तो x की पावर x का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो u मान लिया x की पावर x, वही वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गया। तो टेकिंग log both साइड, log u, log of x की पावर x, तो x आगे आ गया, x log x। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, log u 1 by u, u का du by dx, u into v, x as it is log x का 1 by x, log x as it is x का 1, तो x से x cancel, 1 plus log x, du by dx, u आ गया, गुणा हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमें du by dx का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव मिल गया, इसके अंदर हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, y इक्वल टू x की पावर x, उसकी पावर x है, तो मींस ये इसकी ओवरऑल पावर है, तो मींस पावर की पावर है, आपस में गुणा हो जाएगी, x into max क्या हो जाएगा, x square। तो taking log both side, log y, log x की पावर x square, x square आगे आ गया, log x। अब differentiate with respect to x, यहाँ तो 1 by y dy by dx, x square as it is, log x का 1 by x, log x as it is, x square का 2x, तो एक x से x कट गया, x प्लस में 2x log x, y डिवाइड है मल्टीप्लाई हो गया, नेक्स्ट हमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद यह है सेवन पार्ट दिया, y इक्वल टू x की पावर x प्लस में a की पावर x प्लस में a की पावर a, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम डायरेक्ट log नहीं लेंगे, क्योंकि दो या दो से ज्यादा जब टर्म है प्लस या माइनस में दी हुई है, तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy by dx, x की पावर x का लिख दिया, a की पावर x आ गया, तो a की पावर x इनटू में log a, a की पावर a, ये चीज क्या हमारी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो ये एज इट इज, एज इट इज, अब x की पावर x का चाहिए हमें, तो हम सेपरेट निकालेंगे इसका, x की पावर x को हमने क्या मान लिया, u, टेकिंग log both साइड, u का log u, x
की पावर x का log, तो x आगे आ गया log x, तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे हम, तो log u का 1 by u du by dx equal to x as it is log x का 1 by x into v लगेगा प्लस log x as it is x का 1 x से x कैंसिल 1 प्लस log x u डिवाइडर मल्टीप्लाई u की वैल्यू पुट कर दी x की पावर x 1 प्लस में log x, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई प्लस में a की पावर x log a ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड और थर्ड पार्ट, y is equal to x की पावर sin inverse x, x का फंक्शन है तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो log लेके चलेंगे पहले log both side log y is equal to log x की पावर sin inverse x, sin inverse x आ गया है log x, डिफरेंशिएट करेंगे आपको sin 1 by y divide by dx u into v sin inverse x as it is log x का 1 by x, log x as it is sin inverse x का 1 by root of 1 minus x के y divide है इस हटा के मल्टीप्लाई, यहां भी x की मांगा x into में ये root of 1 minus x के इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहां नेक्स्ट टर्म में y की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है y is equal to x की पावर sin 2x plus में cos 2x, taking log both side log y is equal to log x की पावर sin 2x plus cos 2x, तो ये आगे आ गया log x, डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे सेम 1 by y divide by dx इधर से u into v, u as it is log x का 1 by x plus v as it is और sin 2x का cos 2x, 2x का 2 cos का minus sin 2x, 2x का 2, तो नेक्स्ट टर्म में x एलसीएम आ जाएगा और y मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू पुट